सारे सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते कुक विद शरण। असी बनावांगे अज कच्चे पपीते दे परौंठे। ये परौंठे बहुत ही वधिया बन के तैयार होंदे आ, खाण विच भी बड़े स्वाद लगदे आ। इहदे वेखो असी जिहड़े परौंठे बनाए आ, इहदे अंदर तक फिलिंग गई है, बहुत वधिया बन के ते तैयार होया। तुसी भी इसे तरह बनायो ते खायो। चलो फिर अगे वेखो वीडियो दे विच किस तरह असी परौंठे बना के तैयार कीते। कच्चे पपीते दे परौंठे बनावांगे। एक मीडियम साइज का पपीता लिया वा सी, ये ना पक्या नहीं आ, कच्चा पपीता असी लिया वा। एक प्याज, अदरक का टुकड़ा ते तीन चार हरिया मिर्चा ते थोड़ा जिहा हरिया धनिया। अदरक ते हरी मिर्च नूं असी पीस लांगे क्योंकि साढ़े बच्चे कट के नहीं खाते अदरक, ते प्याज नूं असी ब्रीक कटिंग कर लांगे। पपीते का असी चंगी तरह छिलका उतार लिया वा, हूँ असी इन दो भागों में वंड लेने, इन कटिंग कर ले। बी ये कच्चे आ, वह असी बी बाहर कढ लेने। पपीतिया के असी बीज कढ ले, हूँ असी इनू कद्दूकस कर लेने। ग्राइंडर के नाल मोटी साइड तो असी इनू ग्राइंड करांगे। पपीते नूं असी कद्दूकस कर लिया वा, अद्धा क चमचा नमक ये उपर छिड़क के हाथों के नाल इस तरह कर लेने, थोड़ा जहा मसल लेने इधर उधर। पपीता ताज़ा सी इस करके जे ये पानी होया ज़्यादा तो वह बाहर आ जाएगा, असी निचोड़ लाँगे हल्का जहा। 10 मिनट असी इनू रख लेने। 10 मिनट हो गए इनू रखे नूं, हुण असी इनू निचोड़ लेने। थोड़ा थोड़ा हथां विच पोषण लै के इस तरह असी इन्हें निचोड़ लें। हाथों ना घुट के दबा के सारे पपीते नूं असी इस तरह निचोड़ लेने। पपीते नूं असी चंगी तरह निचोड़ लिया वा, इहदे विच हुण असी प्याज ते हरा धनिया मिक्स कर लेने। अदरक ते हरी मिर्च का पेस्ट भी पा लेने। थोड़ी जी अजवैन लई आ, इन्हें हत्था ना क्रश करके पा लेंगे। धनिया पाउडर, नमक टेस्ट अनुसार, नमक असी पहला भी पाया सी। पीसया हुआ अनारदाना, थोड़ी जी सुकी मेथी हत्था ना क्रश करके इन पा लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, अद्धा चमचा अंबचूरा पाउडर, इन्हां सारियां चीज़ां मिक्स कर लैने। पपीते का ही मिक्सचर तैयार कर लिया वा, तो इधर असी आटा भी गुन लिया वा। आटा असी नॉर्मली गुन्निया वा, इहदियां असी रोटियां बना के तैयार करते हैं। आटा लै लैने, छोटी जी असी एक आटे की लोई बना लाँगे। सुके आटे ने असी इहनू डस्ट कर लिया वा, इन वेल लैने। इस तरह ही दूसरी भी बना लेने। छोटिया असी दो चुंडा बना लिया वा, हुण असी इनू फड़ांगे। पपीते के मिक्सचर नूं असी लै लैने, इन रोटी के उपर पा लिया वा, तो दूजे नूं आपां उपर करके तो बंद कर लेने। इनू असी बंद कर लिया वा। सुके आटे दे नाल असी डस्ट करांगे, तो वेलने के नाल असी इनू वेल लेने। पपीते के परौंठे ने असी वेल लिया वा आख दोनों साइडा तो, इस तरह ही दूसरा परौंठा भी वेल लेने। तवा गर्म हो गया वा, हुण असी परौंठे नूं सेक लेने। उपर पा लिया सी परौंठे नूं, दूजी साइड बदल लेंगे असी। तुसी परौंठे के उपर घिओ जां तेल कोई भी चीज़ ला सकते जी। ये परौंठे खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं, बहुत करारे बनते हैं पपीते के परौंठे। साइडा तो असी तेल लगा लेने, परौंठा साडा दोनों साइडा तो सेक के तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनया, हुण असी इनू थले ला लेंगे।
इसे तरह से दूसरा परौंठा भी सेक लेने हैं। तुसी इन्हां परौंठिआं नूं जरूर बनाओ, ट्राई करना एक बार। ये परौंठे खाने विच बहुत ही स्वाद लगते हैं। सारे परौंठे ही इसे तरह बना के तैयार कर लेने हैं। साडा दूसरा परौंठा भी बन के तैयार है, ये भी बहुत ही वधिया बन के तैयार है। कच्चे पपीते नूं असीं परौंठिआं च पा के जां इहदी सब्जी बना के भी सानूं खानी चाहीदी है। बहुत स्वाद बनते परौंठे भी, तुसी भी इसे तरह बनाओ। परौंठे साडे बन के तैयार है, परौंठे साडे बहुत ही वधिया बन के तैयार होए। तुसी भी इसे तरह बनाओ ते खाओ। वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं किसी होर वीडियो दे नाल, तद तक लई सत श्री अकाल।